ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमतये नमः, ओम रम रामाय नमः, ओम मातेश्वरी नमो नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः, ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मिथुन राशि आपके अष्टमाधिपति और नवमाधिपति शनि बाबा अभी बकरी से स्तंभित होके मार्गी हो रहे हैं। मिथुन राशि का क्या राशिफल रहेगा? मिथुन राशि अष्टमाधिपति नवम में, और अष्टमाधिपति विगत दिनों में बकरी थे, नवम में बकरी थे, स्तंभित होके मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने का परिणाम इस समय क्या क्या हो सकता है? अष्टमाधिपति नवम में पिता के लिए थोड़ा सा कारक होने के बावजूद भी समस्या बिल्डअप करेगा। इस समय कई सारे धार्मिक यात्राओं को शनि बाबा थोड़ा सा त्वरान्वित रूप में करवाएंगे, जाना पड़ेगा, लेकिन परेशानी का भी साथ में जाना पड़ेगा। कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं होने वाले हैं इस क्षेत्र में, यानी ये क्षेत्र है जहां अगर धर्म कर्म अनुष्ठान करते हैं, ऑकल्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा रिजल्ट है। दूसरा ये है कि यहाँ पर अचानक जो लोग सही से पूजा पाठ में मन लगा के रखे हैं, अचानक धन प्राप्ति योग यहाँ पर दिखाई देगा। पेंडिंग कर्मास कई सारे रिजल्ट अभी आपको देंगे, जो बकिया रह गया था वो बनेगा। पिताजी का रुका हुआ काम इस समय खुलेगा, पिताजी का जो काम बना हुआ रुका हुआ था ये बनेगा। साथ में इस समय आपका अभिरुचि पूजा पाठ मंत्र तंत्र जब ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों का ये जो अष्टमाधिपति नवमाधिपति और साथ में राहु को अगर पकड़ते हैं, तो इस कंडीशन पे बुध का स्थिति और आपके लग्नेश का परिस्थिति को देखते हैं तो क्या होने वाला है। अगला महीना बुध खुद राहु और शनि के दृष्टि में आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो इसमें आप लोगों के अंदर भय भ्रम भूल भटकाव मानसिक विच्छेदपन और दूसरे के प्रति दोषारोप का मात्रा बढ़ेगा। मोबाइल स्विच ऑफ करना, बात नहीं करना, पटरी नहीं खाना और किसी ना किसी के साथ बिना मतलब का उलझने का मानसिकता बन सकता है। अपना दिनचर्या को कंट्रोल करने में थोड़ा सा कमी रहेगा अगला कुछ एक महीना तक इसका इफेक्ट रहेगा। और क्योंकि ये जो आपकी छठा स्थान में शनि और राहु का दृष्टि जा रहा है, तो ढेर सारे कामना वासनाएं बढ़ सकते हैं और षडरिपु का मात्रा ये लोग और इस प्रकार के वेग थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शत्रु दमन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये पॉजिटिव पार्ट रहेगा। कई सारे चैलेंज कंपटीशन में जीत मिलने वाला है ये, और कई प्रकार के नौकरी क्षेत्र में भी नए नौकरी का प्राप्ति, कंपटीशन में, चैलेंज में, इंटरव्यू में सफलता यहाँ मिथुन वालों को मिल रहा है, तो एक प्रकार का अच्छा है। मिथुन का सप्तम हो गया धनु, षष्ठ हो गया वृश्चिक और वृश्चिक के ऊपर दृष्टि, टॉप गुड बेस्ट और मंगल भी इसमें आने वाले हैं, तो ये शनि का मार्गी का दृष्टि यहाँ पर आना आपके लिए बढ़िया है। शत्रु दमन होंगे, पुराने शत्रु नाश होंगे, रोग रिपुरण भी यहाँ से अच्छा रहेगा, मतलब ठीक होने लगेंगे, बहुत सारे रोगों का इलाज भी मिल जाएगा। और इसका इफेक्ट कुछ स्टार्टिंग में बुरा रहेगा, डरने का नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय शनि स्टैग्नेंट मार्ग बकरी मार्गी में खबर आएंगे मृत्यु का, अचानक खबर आएंगे, मतलब उसमें टेंशन होने का जरूरत नहीं है, मैटर आगे चल के सॉल्व हो जाएगा, सुधर जाएगा। कुछ पीरियड में थोड़ा सा कष्ट दिक्कत दिखाई दे रहा है, कोविड होने का कोई विषय नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का इस समय कहीं ना कहीं मान सम्मान का हानि का भी योग बता रहा है। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन फूक झाड़ ऊपरी हवा काला जादू, इस प्रकार के अफवाहें कुछ ज़्यादा आ सकते हैं या इस प्रकार के कर्म में निरत होने का स्थिति पड़ सकता है। लेकिन आप लोग मिथुन राशि वाले अगर थोड़ा भी कहीं से पूजा पाठ कर रहे हैं और कर्म को ठीक किए, देखिए शनि कर्म का अधिकार है, अधिपति है, और इस समय बोल रहा है कि अष्टम का कर्म यानी ऑकल्ट का कर्म, नवम का कर्म यानी पिता का कर्म अगर नियम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं मिथुन वालों को, कोई टेंशन होने का बात नहीं है। गो गो, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, सॉलिड, बेस्ट, एकदम टेंशन नॉट। बाकी प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है,
अगर ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो आप अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।